घबराहट और किसी की सफलता की बौखलाहट में आदमी क्या ना बोल जाए, आज यही हाल बीजेपी का है। भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी को जनता से मिल रहे अपार समर्थन से देश तोड़ने की विचारधारा वाली बीजेपी पूरी तरह घबराई हुई है। हालात ये हैं कि यात्रा को बदनाम करने के लिए बीजेपी का आईटी सेल देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश में है। रोज भर भर कर झूठ परोसा जा रहा है, पहले कंटेनर, फिर जूते, टी शर्ट, और अब बीजेपी इतना नीचे गिर गई कि जूते के फीते तक आ गई है। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत में ही झूठ की शिरोमणि स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से यात्रा शुरू करते हुए स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा को नमन नहीं किया, पर उनका झूठ पकड़ा गया। लेकिन क्या मजाल, कितना बड़ा झूठ पकड़ जाने के बाद भी वो देश से माफी मांग ले। सिलसिला यहाँ कहाँ थमने वाला था। इसके बाद झूठ की मशीन बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने कोशिश की, कहा कि राहुल गांधी जी मीडिया से नहीं मिलते, जनसभाएं नहीं करते। लेकिन इस नासमझ मालवीय का झूठ औंधे मुंह जा गिरा जब देखा कि राहुल गांधी जी लगातार प्रेस वार्ता कर रहे हैं, पत्रकारों के हर सवाल का पूरे इत्मीनान से जवाब दे रहे। राहुल गांधी ने पिछले 105 दिनों में 8 प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जबकि पीएम मोदी ने आज तक एक बार भी पत्रकारों के सवालों का सामना नहीं किया। इसी कड़ी में एमपी के खरगोन से गुजर रही यात्रा के एक वीडियो को बीजेपी प्रवक्ता से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक सबने ट्वीट कर दिया, जिसमें कहा गया कि भारत जोड़ो यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, जबकि सरासर झूठ था। यही नहीं, बीजेपी ने जनता में भ्रम फैलाने की कोशिश की कि राहुल गांधी साउथ में सिर्फ चर्च में गए, जबकि राहुल गांधी ने हर धर्म की इबादत गाह में अपनी हाजिरी देकर देश में अमन चैन की दुआ की है। बीजेपी की कहीं दाल नहीं गली तो बीजेपी ने ढोल पीट दिया कि राहुल गांधी ने मां नर्मदा की आरती उल्टी दिशा से की है। यहां भी बीजेपी का पर्दा फाश हो गया। हर बार झूठ पकड़े जाने के बाद भी फेक न्यूज के सरगना अमित मालवीय ने माथा तो पकड़ लिया, लेकिन खुजली खत्म नहीं हुई। इस बार कहा कि राहुल गांधी के जूते का फीता बांधने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह घुटने के बल बैठ गए और खुद फीते बांधने की बजाय राहुल उनकी पीठ थपथपाते रहे। और जब सच्चाई सामने आई तो बीजेपी वालों के पास मुंह छिपाने को कोई जगह नहीं थी। तस्वीर की सच्चाई ये थी कि यात्रा में चलते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह के जूते के फीते खुल गए थे। तभी राहुल गांधी जी की नजर पड़ी और उन्होंने जितेंद्र जी से फीते बांध लेने को कहा। झूठ के जरिए यात्रा को बदनाम करने की बीजेपी की हर कोशिश, तमाम हथकंडे और पूरी मशीनरी फेल हो गई। इस पर क्या पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा देश से माफी मांगेंगे? क्या नड्डा विश्वास दिलाएंगे कि नरेंद्र मोदी कभी राहुल गांधी जी के सवालों का सामना करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि शेर और कागजी शेर में जमीन आसमान का अंतर होता है। ये बात बीजेपी बखूबी जानती है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा बेहद कामयाब है, लेकिन मजबूरी है ये कह नहीं सकते। बीजेपी की इस हालत पर मशहूर शायर बशीर बद्र का एक शेर याद आता है, जी बहुत चाहता है सच बोले, क्या करें हौसला नहीं होता।